सांस्कृतिक वैभव और विरासत की कड़ी में अगला नाम राजस्थान का, जहां विश्व प्रसिद्ध धरोहर हवा महल को दर्शाया गया है। रंगरंगीले राजस्थान के बाद अब बारी चंडीगढ़ की। शहर शिवालिक की पहाड़ियों के निकट स्थित इस झांकी में चंडीगढ़ को एक स्मार्ट, हरे भरे और चित्रमय सपनों के शहर के रूप में दर्शाने का प्रयास हुआ है। और उमंग का पर्व भारत का 67वां गणतंत्र दिवस। इसमें चार चांद लगाती भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करती हुई राज्यों की झांकियां, उनाकोटी स्थापत्य राजपथ पर स्थापत्य कला का नजारा पेश करता हुआ उत्तर पूर्व के राज्य त्रिपुरा से। India being showcased on Rajpath in so many of its splendid dimensions. This is an artistic representation now from Odisha, the glorious tradition of Poita Bandana. West Bengal now presents thousands of wandering men unity of Bengal. Ignoring all kinds of religious social stigma and social barriers, thousands try to find their moving knowledge. The wandering minstrels of Bengal, renowned for their distinctive spiritual and musical traditions, the bowls of Bengal.
राजपथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ रही है बिहार राज्य की झांकी, जिसमें चंपारण सत्याग्रह को दर्शाया गया है। गांधी जी ने यहां सविनय अवज्ञा आंदोलन। Our next tableau, the tableau from Bihar, presenting the Champaran movement of 1917 against the backdrop of the major role played by Mahatma Gandhi. The coffee land of Karnataka, Kodagu, a major coffee producing district, the mainstay of India, becoming one among the top six coffee producers in the world. मध्य प्रदेश की झांकी जो संदेश दे रही है, जंगल को बचाना है, बाघ को बचाना है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छटा बिखरी है राजपथ पर। छत्तीसगढ़ की झांकी में एशिया के सबसे पुरातन विश्वविद्यालयों में से एक खैरागढ़ कला एवं संगीत विश्वविद्यालय को दर्शाया गया है। Yeah.
हमारे लिए राजपथ पर है तमिलनाडु के थोड़ा जनजाति समुदाय की अनोखी झांकी। थोड़ा समुदाय तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में निवास करने वाली ठोडा जनजाति से जुड़ी ये झांकी है तमिलनाडु की। ये तमिलनाडु की 6 आदिम जनजातियों में से एक है।